हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल EduChem लाइव क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वायरल डिजीजेस, है ना, जो वायरस से होने वाले रोग हैं उनका पार्ट टू कर रहा हूं मैं। पार्ट वन में मैंने चार तक इसमें जो अपने एड्स रोग था अपना, और इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर जो मैंने उसके बाद में बात की थी मिजल्स की, ठीक है, और आपके पोलियो की बात कर ली थी, एक रोग था उसकी बात कर ली थी। बेसिक वायरल डिजीज क्या होता है, वायरस से फैलता है उसको वायरस जनित रोग बोलते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रोग किसके कारण होता है, ऑप्शंस मिलेंगे वायरस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ एंड नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ देम, ऐसे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको पहचाना होता है, पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि रोग किसके काटने से फैलता है और रोग किसके कारण होता है, ये आपकी डिफरेंट लैंग्वेज है। रोग किसके द्वारा होता है, रोग किसके काटने से फैलता है, दो डिफरेंट लैंग्वेज है। अभी तक आपके जो रोग थे उनमें ऐसा नहीं था, आप जो पढ़ेंगे ना उनमें आपको पता चलेगा कि जो रोग किसके काटने से होता है वो अलग है और किसके द्वारा होता है वो अलग है। क्वेश्चन ऐसे पूछा ना किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना वायरल डिजीज सिंपल वायरस के द्वारा होता है, लेकिन किसके काटने से फैलता है उसमें आपका थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, उसको अपन देख लेंगे टुडे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो देखो स्टार्ट करते हैं आज का। तो फर्स्ट अपना जो डिजीज है दैट इज रेबीज, नंबर 5 है इसके अंदर। चार तक मैंने बता दिए थे, अपन लगभग 10 डिजीज के अंदर कवर करेंगे, दैट इज रेबीज। देखो रेबीज के बारे में फर्स्ट जो मिसकंसेप्शन है वो यही है कि ये कैसे फैलता है, ठीक है। तो अपने बचपन में पढ़ाया, जो अभी भी पढ़ते हैं, कि रेबीज है वो कुत्ते बिल्ली या भेड़न के काटने से फैलता है, ठीक है। आपको कोई पूछ ले कि रेबीज रोग कैसे होता है, आप आंसर दोगे कुत्ते के काटने से, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। कैसे रेबीज किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन रेबीज किसके काटने से फैलता है, तो आपके आंसर वो आपके डॉग, आपके कैट्स और फॉक्स होने। तो यहां पे देखो मिसकंसेप्शन क्या है, एक वर्ड आएगा यहां पे वेक्टर, वेक्टर ये आपका फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये आपका वेक्टर है, इसका मतलब होता है वाहक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वाहक बोलते हैं। तो वाहक वर्ड जो क्या है, ये वो वर्ड है इसके द्वारा आप कोई मान लो रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, या फिर एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग में फैलता है, तो वो फैला कौन रहा है, उस बीच के मीडियम को कौन बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, वाहक बोलेंगे, ठीक है। तो रेबीज रोग जो आपका है उसके वेक्टर्स होते हैं कौन कौन, उसके वेक्टर्स होते हैं आपके जो आपके कुत्ता बिल्ली जो आपके भेड़िया जो भी हैं, कुत्ता बिल्ली और भेड़िया पे जिनके काटने से फैल रहा है ना, ये आपके क्या है, वेक्टर है। यानी ये आपका रोग जो है वो एक से दूसरे में आपका स्थानांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कारण होता है रोग, समझ में भाई। आपका जो वायरस होता है, जो वायरस की बात कर लेते हैं पहले, इसका जो वायरस होता है उसका वायरस का नाम क्या है, रेबडो वायरस, है ना भाई। कौन सा वायरस है, किसके कारण आपका रेबीज रोग होता है, उस वायरस को बोलते हैं आपका RHABDO, रेबडो वायरस, करेक्ट। तो ये जो वायरस होता है ना, इसके कारण होता है आपका रेबीज रोग। रेबडो वायरस मान लो किसी कुत्ते के अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, किसी डॉग के अंदर प्रवेश कर गया, तो क्या होगा, उसके सारे शरीर में रहेगा, तो ऑब्वियस उसकी लार के अंदर भी रहेगा, सलाइवा के अंदर भी रहेगा। अब मान लो उस कुत्ते ने किसी पर्सन को काट लिया, ठीक है, उसको बाइट कर दिया, तो हो सकता है कि वो रेबडो वायरस उस कुत्ते से निकल के उस आदमी में चला जाएगा, और उस आदमी को कौन सा रोग हो जाएगा, रेबीज। तो एक्चुअल में हाँ, कुत्ते के काटने से फैल रहा है, लेकिन एक्चुअल में फैल किससे रहा है, रेबडो वायरस से। तो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से कि किसके किससे होता है रेबीज रोग, आप आंसर करोगे रेबडो वायरस से, ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन दे रखे वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे तो वायरस से, रेबडो वायरस है तो इससे, और किसके काटने से, तो आप इनका नाम लोगे। ये कौन है, ये वाहक है, ये रोग को फैलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये वायरस इनकी लार में चला जाएगा, ये किसी पर्सन को काट लेंगे, उसमें रेबीज रोग हो जाएगा, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन का आपको मीनिंग समझाना चाहिए कि आपके वाहक हैं और किसके कारण किससे होता है, रेबडो वायरस से होता है, ठीक है। देखो रेबडो वायरस को एक चीज और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीट वायरस। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीट वायरस। और आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि आपके जो ये डॉग्स होते हैं, आपके कैट्स होती हैं, ये स्ट्रीट्स में घूमती, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं ना, कि आवारा जो पशु होते हैं उनको स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं ना, स्ट्रे। तो आप इसे थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रीट वायरस क्यों बोलेंगे, कि आपके जो ये जितने भी आपके वाहक हैं, वेक्टर्स हैं, वो स्ट्रीट में घूमते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हो। तो स्ट्रीट वायरस, रेबडो वायरस किसका, आपका रेबीज रोग का, ठीक है। देखो इसके अंदर, इस रोग के अंदर कंडीशन होती है, एक कंडीशन क्या, एक शर्त यहां पर कंडीशन है, सिचुएशन, वो क्या है, हाइड्रोफोबिया की। एंड वॉट इज हाइड्रोफोबिया, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट वॉट इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वॉटर एंड फोबिया मीन्स डर लगना, उससे थोड़ा थ्रेटनिंग होना, हैजार्डस होना ना। तो जो पर्सन रेबीज रोग से ग्रसित होता है, डिजीज होता है, उसको लगता है, उसको जल से डर लगता है, यानी पानी से डर लगता है। दैट मीन्स उसको पानी पीने से और नहाने से डर लग गया। कौन से पर्सन को, जो पेशेंट आपका रेबीज रोग से ग्रसित है। तो हाइड्रोफोबिया इज ए कंडीशन इन विच डिजीज
रेबीज। तो ये क्या है, जल से डर, यानी पानी से आपको डर लगता है, ठीक है, यानी पानी पीने से और नहाने से, उसको छूने से डर लगता है। कौन से रोग में कंडीशन होती है ऐसी, रेबीज रोग में, उस कंडीशन का नाम क्या है, सिंपल हाइड्रोफोबिया, करेक्ट है। बात आती है रेबीज का टीका किसने बनाया सबसे पहले, यानी रेबीज का टीका, यानी रेबीज को क्योर करने के लिए जो वैक्सीनेशन सबसे पहले किसने बनाया, वैक्सीनेशन बनाया सबसे पहले लुईस पाश्चर ने। और देखो लुईस पाश्चर का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो एक तरह से आपको बताएं कि अपन जैसे जो पाश्चराइजेशन होता है, पाश्चुरीकरण बोलते हैं, जैसे आप दूध भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर आता है पाश्चराइज्ड मिल्क, तो वो पाश्चुरीकरण की प्रोसेस किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने, अपने नाम पे उसका नाम रख दिया पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चराइजेशन। तो लुईस पाश्चर ने इसका रेबीज का टीका सर्वप्रथम खोजा था। वेक्टर की बात मैंने आपको बता दी है कि वेक्टर कौन कौन है, आपके जो स्ट्रे जो थिंग्स होती है ना, आपके स्ट्रे आपके एनिमल्स होते हैं, वो आपकी कुत्ता बिल्ली, उनके अंदर वायरस आ जाएगा, वो किसी पर्सन को काट लेते हैं उनके अंदर रेबीज रोग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके सलाइवा में होगा, ये काटेंगे तो सलाइवा दूसरे पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी और पॉसिबल चांसेस है कि आपका यह वायरस भी जा सकता है। हाइड्रोफोबिया इज ए कंडीशन इन दिस डिजीज। इसके अंदर एक बात और, हाँ, इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात करें, इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात करूं तो आपको पता है इसके अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, यानी आपके काम करने का तरीका जो है, नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी पे कंट्रोल है, थोड़े शरीर में जकड़न होना, दैट इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपका ब्रेन, आपके जो बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, ठीक है, तो आपका इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है बिगड़ा जाएगा, आपके जो बेसिकली जो प्रोसेस होती है लाइक खाना है पीना है रहना है वो सारी सारी गड़बड़ाने लग जाएंगी, तो आपका बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, एंड दैट इज अबाउट टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं रहना मतलब बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहना, क्योंकि नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन से होते हैं, ब्रेन होता है, आपका स्पाइनल, आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है वो होती है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी वो, तो कहीं ना कहीं इसके आपके इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, नर्वस सिस्टम। तो बेसिक बात क्या होगी रेबीज के बारे में, ये सारे वायरस स्ट्रीट वायरस वाहक हो गए, हाइड्रोफोबिया जैसी सिचुएशन, रेबीज का टीका किसने डिस्कवर किया, साथ में इन्फेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। बात करते हैं इससे आगे वाले नंबर सिक्स पे, तो नंबर सिक्स अपना है इसके अंदर, नंबर सिक्स है पॉक्स, है ना, नंबर सिक्स जो अपना वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज मतलब किसी वायरस के अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने से वो रोग होगा। तो नेक्स्ट अपना पॉक्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, चेचक। नंबर सिक्स है जिसको हम बोलते हैं पॉक्स, या फिर हिंदी के अंदर बोलते हैं चेचक, और सबको पता है चेचक में आपको पता है स्किन के ऊपर लाल लाल दाने हो जाना, ठीक है। देखो पॉक्स जो है ये दो टाइप का होता है, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे आपके, एक तो होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है आपका चिकन पॉक्स, ये दो टाइप किसके हो गए आपके, पॉक्स के, ठीक है। देखो ये आपके दो रोग हो गए, तो इन दोनों को फैलने का जो वायरस है वो भी अलग अलग है, ठीक है, क्या बताया मैंने, स्मॉल पॉक्स का वायरस अलग है, चिकन पॉक्स का वायरस अलग है। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस है आपका वेरियोला वायरस, आपको दोनों के नाम याद रखने, क्या नाम है इसका, वेरियोला, साथ के साथ में चिकन पॉक्स है उसका भी नाम उससे क्वाइट आपका सिमिलर है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, दैट इज वेरिसेला, ठीक है। वेरिसेला वायरस किसके लिए है, वेरिसेला वायरस आपका चिकन पॉक्स के लिए, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स के लिए क्या है, वेरियोला वायरस, पहली बात तो ये, ठीक है। इन्फेक्टेड ऑर्गन, इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात करूं मैं, तो देखो जितने भी आप मान के चलो जितने भी वायरस जनित रोग होते हैं उनमें इन्फेक्टेड ऑर्गन है ना, आपका क्या होता है, नर्वस सिस्टम तो क्वाइट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो आपका वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, वो आपको ढंग से काम नहीं करने देता है, यानी आपकी बॉडी पे क्वाइटली वो कंट्रोल कर लेता है, आपका कंट्रोल कम रहता है, तो इन्फेक्टेड ऑर्गन में आपका नर्वस सिस्टम तो आएगा, लेकिन लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, जो आपके लाल लाल जो दाने हो जाते हैं वो कहां होंगे, स्किन पर होंगे, दैट मीन स्किन, तो आपके इन्फेक्टेड ऑर्गन में दो पॉइंट आ जाएंगे, नर्वस सिस्टम एंड स्किन, ठीक है। पॉक्स मतलब चेचक, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, दोनों के वायरस अलग अलग है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसका जो टीका किसने बनाया, यानी वैक्सीनेशन की बात किसने करी सबसे पहले, किसकी, चेचक की, तो देखो इसका नाम है आपका जेनर, है ना, कौन सा नाम है इसका, जेनर, एडवर्ड जेनर, इनका नाम है एडवर्ड जेनर, सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की शुरुआत की, मतलब खोज करी ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फैलता कैसे, यानी ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिट का मतलब यदि एक पर्सन में है तो दूसरे पर्सन में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, आपका बाई एयर भी हो सकता है,
ठीक है, बाय कफ और बाय, देखो अब यदि स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, यदि स्किन की एलर्जी है तो ऑब्वियसली टच करने पे तो फैल ही जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा बाय टच। ये सारी प्रॉब्लम्स किसी में जाएंगे आपके ट्रांसमिट के आपके माध्यम हो जाएंगे, किसके लिए, चेचक रोग के लिए, बाय एयर, कफ और टच, ठीक है। हाँ, और एक बात और, यहां पर नर्वस सिस्टम और स्किन किसमें था, दोनों में, वैसे आप दोनों में मान सकते हो, लेकिन इसके अंदर ओनली क्या है, इसके अंदर ओनली स्किन है, किसके अंदर, वेरिसेला के अंदर, भाई इन्फेक्टेड ऑर्गन्स के अंदर नर्वस सिस्टम स्किन, इसके अंदर दोनों है, इसके अंदर आपका स्किन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात किसकी होगी, आपकी जो पॉक्स था उसकी बात होगी, है ना। अब बात करते हैं इसके आगे वाले, देखो ये सातवां नंबर है, मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और कब बताया था मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने बताया था जब मैं बात कर रहा था किसकी, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन जब करते हैं तो आपके सबसे पहले नोजल कैविटी आती है, फिर आपकी ट्रैक्ट आती है यहाँ पे, उसके बाद में आपके लंग्स वगैरह अंदर जाते हैं, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि देखो सांस लेने में कठिनाई होना, इससे संबंधित रोग कौन सा है, आपको मैंने बताया था दैट वॉज सार्स, कौन सा वाला, नंबर 7, SARS, क्या बोलेंगे इसको, सार्स। अब सार्स फुल फॉर्म होगी, ऑब्वियस फुल फॉर्म तो होगी। अब देखो सांस लेने में कठिनाई होना तो कहीं ना कहीं आपका इसकी फुल फॉर्म कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन रिलेटेड आएगी, ठीक है। पहले इसका मतलब है सेवरल, ठीक है, पहले इसका मतलब क्या है, सेवरल। दूसरे का मतलब क्या है, एक्यूट, एक्यूट मतलब बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीखा, यानी जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, सेवरल, एक्यूट। आर का मतलब बात को पता है कि रेस्पिरेटरी, भाई श्वसन से रिलेटेड है तो रेस्पिरेटरी वर्ड तो कहीं ना कहीं आएगा, और एस का मतलब सिंड्रोम, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपका एक वायरल डिजीज है, SARS, SARS आपका सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वो एक आपका वायरल डिजीज है, पता चल गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात करूं मैं, आपको बताया कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो कौन कौन से ऑर्गन आपके इन्फेक्ट हो सकते हैं, एक तो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी आपकी जो श्वसन नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपकी श्वसन नली जो है वो कहीं ना कहीं आपसे इनमें इन्फेक्ट होने ही वाली है, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी नली इन्फेक्ट होगी, और आपके जो लंग्स भी हैं, भाई लंग्स में आपको बताया लंग्स में एयर जाती है, और वहीं पे आपका लंग्स क्या करते हैं, उस एयर को जो ऑक्सीजन होती है उसमें आपका ब्लड में मिक्स करते हैं, तो वो भी काम करना बंद कर देंगे और आपकी श्वसन नली वो भी आपकी इन्फेक्ट हो जाएगी, किसकी वजह से, SARS, एंड दैट इज ए वायरल डिजीज। मूविंग टू द नेक्स्ट, वायरस की बात कर लेते हैं कि विच वायरस, कि कौन से वायरस से आपका रोग फैलता है, तो इसका नाम है कोरोना, क्या नाम है इसका, कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से आपका क्या रोग फैलता है, सार्स, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है न्यूमोनिया का, यानी ये जो रोग होता है ये आपका, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ये न्यूमोनिया में चेंज हो सकता है, लेकिन ये रोग बहुत ही घातक है। देखो यहां पे लिखा सेवरल एक्यूट, दैट मींस इसको बोलते हैं अपन किलर न्यूमोनिया, कि ऐसा न्यूमोनिया जो कि किलर न्यूमोनिया उसको बोलेंगे, पर न्यूमोनिया रोग बहुत घातक होता है, ठीक है, परनीशियस होता है, फेटल होता है, बट ये आपका उससे भी ज्यादा किलर है, दैट मीन इसको बोलेंगे किलर न्यूमोनिया, यानी आपको बोले किलर न्यूमोनिया कौन सा रोग है, SARS, ठीक है। और देखो इसके अंदर आपको एक बात और भी है, ठीक है, फैलता किसके कारण है, ट्रांसमिटेड बाय एयर, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो एयर अंदर जाएगी तो एयर के द्वारा फैल सकता है, ठीक है, तो ट्रांसमिटेड बाय एयर। ये बात किसकी होगी, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन्फेक्टेड ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, वायरस है कोरोना वायरस, किलर है, किलर न्यूमोनिया बोलते हैं इसको, ठीक है, और ट्रांसमिटेड बाय एयर। ये बात किसकी होगी, ये बात होगी उनके पास सार्स की। देखो नंबर 8 देखते हैं इसके अंदर, नंबर 8 अपना जो अब देखते हैं फीवर के बारे में, जितनी भी फीवर्स होती है ना मोस्टली वो सारी सारी किससे होती हैं आपकी, वो आपकी वायरल डिजीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी फीवर होती है, लेकिन बात करूं मैं आपका डेंगू, ठीक है, वो सारी सारी किससे होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपना डेंगू ही है ना, नंबर 8 पे है डेंगू। तो डेंगू जो होता है वो एक तरह से आपको पता है वायरस जनित रोग है, डेंगू वायरस हम बोलते हैं ऐसे जनरल में। डेंगू में होता है एक्चुअल में इतनी तेज बुखार होती है कि आपको लगता है कि आपकी हड्डियां जो होती हैं, बोन्स होती हैं, वो आपकी टूट रही हैं, इतनी तेज बुखार होती है। तो इसको अलग नाम बोला जाता है, इस आपका जो फीवर है इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। एक जनरल आपका जो पूछे कि किस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है, आप बोलेंगे डेंगू को, डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ऐसी बुखार होती है, ऐसा फीवर होता है आपको, आपको लगता है आपकी बोन्स जो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, टूट रही है, ठीक है, ठीक। बात करते हैं
कि कौन से वायरस से फैलता है। वायरस इसके लिए जो आपका वायरस बोलेंगे, मतलब वो वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, देखो यहां पर वेक्टर का कांसेप्ट आएगा, क्यों आपको पता है मच्छर काटने से फैलता है, तो वो मच्छर क्या है, वो वेक्टर है, लेकिन वायरस क्या है, वायरस है अरबो वायरस। कौन सा वायरस है? अरबो वायरस। अब बात करते हैं इसके वेक्टर की, मतलब किस आपके किस उसके अंदर जाएगा, मच्छर के अंदर जाएगा और वो रोग फैलाएगा। तो बात करते हैं इसके जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर यानी वाहक कौन है, इसका वाहक कौन है, वाहक है इसका एडीज, और एडीज में भी कौन, फीमेल एडीज, यानी वो मच्छर का नाम क्या है, एडीज, उसमें भी कौन, फीमेल एडीज जो होता है वो कौन होता है, इसका वाहक होता है, किस वाले का, डेंगू वायरस का। यानी कि इस मच्छर के अंदर वो वायरस एंटर कर जाएगा और फिर जब ये मच्छर अपने को काटेगा तो पॉसिबल चांसेस हैं कि अपने को डेंगू हो सकता है। और देखो इस मच्छर की खासियत क्या है, ये आपका साफ पानी में रहता है। भाई अपन क्या सोचते हैं कि आपका जब पानी इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ही खराब हो जाता है, तो उसके अंदर आपके जो मच्छर पनपते हैं उसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंगू जो आपका एक्चुअल में उसका जो वायरस है, ठीक है, या फिर जो मच्छर है फीमेल एडीज, वो आपका साफ पानी में रहता है। और अपना मिसकंसेप्शन ये भी तो रहता है कि वो रात में काटते हैं, ये आपके दिन में काटते हैं। यानी कि बात करें तो फीमेल एडीज जो मच्छर है वो साफ पानी में रहती है और आपके दिन में काटते हैं, कहने का मतलब इसके रोग होने चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इसे आगे की, इसको बोलते हैं आप जो फीवर होती है इसको बोलते हैं क्रॉनिक फीवर। और क्रॉनिक जो वर्ड है उसका मतलब आपको पता होगा क्योंकि आप क्रोनोलॉजी पढ़ते होंगे, क्रोनोलॉजी मतलब एक तरह से टाइम की बात होती है, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दो दिन तीन दिन बुखार हो गया और खत्म, नहीं, बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्रॉनिक फीवर बोलते हैं इसको, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक, फीवर मतलब बुखार, ठीक है। और मैंने आपको बताई दी हड्डी तोड़ बुखार का कंसेप्ट, यानी एक तरह से जो बोन्स के जो जॉइंट होते हैं ना, बोन्स जॉइंट जहां पे आपकी हड्डियां जुड़ी होती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा आपके एक्यूट पेन होता है, सेवरल एक्यूट पेन होता है, कहां पर, जहां पे बोन्स का जॉइंट होता है ना, वहां पर, तो क्वाइट इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, है ना, ये आपको बता सकते हैं। अब बात है कि इसको रोकें कैसे, है ना, तो ऑब्वियस है कि किससे फैल रहा है, तो मच्छरों से फैल रहा है, तो अपने को अपने घरों में ऐसी चीज यूज करनी चाहिए जो मच्छरों को मतलब कि मारे या फिर उनको मतलब कि उनको खत्म कर दे, है ना। तो देखो जैसे तो आपको पता है कि बहुत सारे इसके प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन जो इसको रिपेल करता है, एक्चुअल में रिपेल का मतलब उसको दूर भगाता है, उसको क्या बोलेंगे, रिपेलेंट बोलेंगे। उस रिपेलेंट का नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इस रिपेलेंट का नाम है एलिथ्रिन, ठीक है, एलिथ्रिन का छिड़काव करते हैं, एलिथ्रिन का, और ये क्या करता है आपके मॉस्किटोज को रिपेलेंट करता है, रिपेल मतलब उसको मतलब कि निकालता बाहर या उनको मार देता है, तो इसका छिड़काव रहना चाहिए ताकि आपके मच्छर पनपे नहीं, क्योंकि देखो मच्छर पनपने का कोई कंसेप्ट नहीं, क्यों आपके रुके हुए पानी या फिर खराब पानी में पनपेंगे, आपके साफ पानी में रहता है ये मच्छर और दिन में काटता है, तो चांसेस ज्यादा है, दैट्स वाई आपको ये मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करना चाहिए, एलिथ्रिन वाला, जिससे आपके मच्छर दूर रहेंगे। किसकी बात थी ये बात थी डेंगू की, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और भी है, वो कौन सी है, मैं आपको बताया था कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। जब भी आप यदि ये वाला रोग लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और आप चेक करवाते हैं कि ये रोग है या नहीं है, वो आपका ब्लड टेस्ट करके बताएगा कि आप में प्लेटलेट्स कितनी है, सही है, आपने देखा होगा बहुत बार। तो प्लेटलेट्स क्या है एक्चुअल में, इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है, कौन से रोग में, डेंगू वायरस में, डेंगू जब रोग होता है तो इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है, तो यदि आपकी प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल कम आता है तो हाँ उसको डॉक्टर को लगेगा, डायग्नोस करेगा वो, बिल्कुल डेंगू आप में हो सकता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है कौन से रोग के अंदर, डेंगू के अंदर, ठीक है। प्लेटलेट्स मतलब आपके जो आरबीसी डब्ल्यूसी वाला थर्ड नंबर जो आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, करेक्ट है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की नंबर जो आपका इसका जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता, उससे बहुत कम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, नंबर 9 है अपना, नंबर 9 भी आपका कहीं ना कहीं डेंगू से रिलेटेड है, ठीक है, सारे सारे आपके फीवर है, इसको बोलते हैं चिकनगुनिया, है ना। इसमें ज्यादा कुछ आपका कंसेप्ट नहीं है, इसमें कंसेप्ट यही है कि उसका रोग का नाम और उसका जो वायरस है वो आपको याद रखना है, बाकी सेम जो सेम होता है, फीवर होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। नंबर 9 है अपना, इसको बोलते हैं चिकनगुनिया। देखो ज्यादातर जो अपने रोग होते हैं वो ज्यादातर अफ्रीका से आते हैं, है ना, बिकॉज वहां पे आपको पता है मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण वगैरह ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इतनी, सर्विसेज नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां से आती है, आपको ध्यान रखना है, ये रोग भी वहीं से कहीं से आया हुआ है ना। इसका जो वायरस है उस वायरस को बोलते हैं अल्फा वायरस, अल्फा वायरस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा वायरस बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी क्या होता है, आपका फीवर होता है एक्चुअल में, ठीक है भाई, ऐसा समझा जाता है। देखो
चिकनगुनिया जो रोग है उसको कैसा समझा जाता है? देखो इसको जनरल लैंग्वेज में कुछ अलग वर्ड है इसका, ये आपका इंग्लिश में है, ऐसा समझा जाता है कि ये एक बार रोग होता ही होता है, और एक बार होने के बाद में आप में वो इम्यूनिटी आ जाती है शरीर के अंदर, रोग होने के बाद में आपके अंदर वो प्रतिरक्षा आ जाती है कि बाद में कभी रोग नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपके जो एक तरह से इसमें होता है कि शरीर के ऊपर लाल लाल दाने बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में एक बार हो गया उसके बाद में आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, अब भी रोग वापस नहीं होगा, मतलब एक बार तो होता ही है ऐसा माना जाता है, ठीक है, इट इज बिलीव्ड। ठीक है, चिकनगुनिया रोग के बारे में इतनी बात है, फीवर होता है और एक बार होने के बाद में वापस नहीं होता है। वायरस कौन सा है? अल्फा वायरस इसको बोला जाता है। बाकी आपको पता है कि इसके अंदर भी आपका कौन सा यूज करना आपको, ठीक है, भाई मच्छर कौन सा है? मच्छर वही होगा, मच्छर इसमें भी एडीजी होता है, ये आपको ध्यान रखना, बताया नहीं मैंने, इसमें भी वेक्टर कौन सा होता है? एडीजी होता है, फीमेल एडीजी इसके अंदर होता है, ठीक है, वही साफ पानी में रहती है, वैसे ही काटती है, तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। तो आपका चिकनगुनिया रोग भी इससे होता है। और आपके एलिथिन क्या है? एलिथिन आपका क्या हो जाएगा? जो मच्छरों को भगाता है, एंड दैट इज कॉल्ड मॉस्किटो रिपेलेंट। रिपेलेंट मतलब आपका प्रतिकर्षित करना, मॉस्किटो यानी मच्छरों को प्रतिकर्षित करना, भगाना, है ना, तो आपके रोग नहीं होगा। क्या बात होगी चिकनगुनिया की? तो इसके अंदर अपना लास्ट जो है, जिसमें वायरल डिजीज में डिस्कस कर रहा था, जो वायरस से फैलते हैं, वो आपका बर्ड फ्लू। कौन सा है? बर्ड फ्लू। तो नंबर 10 कौन सा है? बर्ड फ्लू। देखो इसको पूछा जाता है, इसका जो वायरस है उसका नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है, उसका जो वायरस है उसको बोलते हैं, इसके वायरस को बोलते हैं, बर्ड फ्लू के वायरस को बोलते हैं H5N1। आपको कंफ्यूज करेगा नंबर्स में, ऑप्शन में आपको नंबर्स अलग अलग मिलेंगे, कहीं 5 या 4 हो जाएगा, वहां की 2 हो जाएगा। आपको याद करना है H5N1 इज द वायरस फॉर बर्ड फ्लू, ठीक है। ये सारे वायरस होते हैं, थोड़े टाइम के चलते हैं फिर खत्म भी हो जाते हैं। वायरस है इसका कौन? H5N1। कौन से रोग का? बर्ड फ्लू का। देखो ये आपका जो है, देखो इसको बर्ड फ्लू क्यों बोला है? देखो फ्लू का मतलब तो आपकी फीवर होती है, बट इट इज ट्रांसमिटेड बाय बर्ड्स, तो इसको इसलिए नाम पड़ गया बर्ड फ्लू। तो ट्रांसमिटेड बाय बर्ड्स यानी कि पक्षियों द्वारा फैलता है, इसलिए इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू, ठीक है। इन्फेक्टेड ऑर्गन है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इन्फेक्टेड जो ऑर्गन है वो कौन से हैं? आपके आईज यानी आंखें एंड लंग्स। तो कहीं ना कहीं आपका सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और आईज यानी दिखने में या फिर आंखों में सूजन वगैरह इसमें आ सकता है, किसके अंदर? बर्ड फ्लू के अंदर, ठीक है। इसका जो मेडिसिन वो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका मेडिसिन बना हुआ है वो आपको याद रखना है। तो एक तो वर्ड कौन सा आएगा? फ्लू तो आना ही है क्योंकि फ्लू चल रहा है, उसके अंदर जोड़ना आपको टेमी। टेमी फ्लू इज द मेडिसिन फॉर बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो बुखार होती है उसके अंदर आपकी जो मेडिसिन है वो कौन सी है? टेमी फ्लू है, ठीक है। और हाँ, ये जो एच और एन क्या चीज है? ये आपके प्रोटीन है, प्रोटीन है एच और एन। हाँ, यहाँ पे 5 लगाना एच के, यहाँ पे N1, तो ये H5N1 एक वायरस बन गया। एच और एन जो आपके हैं ये प्रोटीन का नाम है, ये आपको याद रखना है। एच और एन क्या है? यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है। तो और जो वायरस डिजीज आपके हैं उनका डिस्कस करना हम कोई ज्यादा तो नहीं है। एक तो आपका एबोला वायरस होता है, ठीक है, एक आपका अभी चला था निपा वायरस, तो आपके वो आपको पता भी है, कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता। ये आपके सारे वायरल डिजीज थे, ये पार्ट 2 था, ठीक है। पार्ट 1 आपको पहले मैंने बता दिया था, उसके अंदर 4 अपने डिजीज थे, आज मैंने आपको 6 डिजीज बताएं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी।